हिंदी कहानी से कुछ सीखना तो दूध वाली और उसके सपने एक बहुत ही अनोखी कहानी है जिसमें कि बच्चों को दिवा शो पर न देखने की सीख मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक दूध वाली रहती थी। वो अपने गायों की दूध को बेचकर पैसे कमाती थी जिससे कि उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, उसने अपनी गाय को दूध पिलाया और एक छड़ी पर लाए हुए दूध की दो बाल्टी लेकर बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाजार जा रही थी, वह दिवा शोपन देखने लगी कि दूध के लिए उसे जो पैसा मिला है उसका वह क्या करेगी। उसके मन ही मन कई चीज़ें सोचने लगी। उसने मुर्गी खरीदने और उसके अंडे बेचने की सोची। फिर उस पैसे से वो एक केक, स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी, एक फैंसी ड्रेस और यहाँ तक कि एक नया घर खरीदने का सपना देखने लगी। इस प्रकार से वो कम समय से अमीर बनने की योजना बनाई। अपने उत्साह में वह अपने साथ ले जा रहे दोनों बाल्टी के बारे में भूल गई और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि दूध नीचे गिर रहा है और जब उसने अपनी बाल्टी की जाँच की तो वो खाली थे। ये देख कर वो रोने लगी और उसके फूल का पछतावा होने लगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी सफलता सोचने से नहीं मिलती बल्कि उसकी क्रिया को करना पड़ता है।